की क्लासेस में हम एडवांस एक्सेल की बेसिक कंसेप्ट को समझ रहे हैं और हमने आपको एक रिसर्च बोला था। रिसर्च में हमने बताया था कि जैसे कि सिंपल से समझिए करता क्या है हमारा पेस्ट एज ऑपरेशन। जैसे यहाँ पे 20 और 30, यहाँ पे मान लीजिए 30 है, 20 और 30 लिखा हुआ है। अगर मैं नॉर्मल 20 को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो इसको रिप्लेस कर देता है, मैं 30 को 20 से रिप्लेस कर दिया। लेकिन पेस्ट करते समय अभी कंट्रोल जेड मैंने कर दिया है, अंडो कर दिया यहां से होता है, तो हम क्या करेंगे इसको कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हम जो है यहां पे सिलेक्ट करेंगे कौन सा ऑप्शन, ऑपरेशन में ऐड को, ऑपरेशन में हम ऐड को सिलेक्ट करेंगे और ऐड पे क्लिक करके जैसे मैंने ओके किया तो यहां पे देखिए 50 आ गया। आ गया 50, मतलब पहले से 30 था और 20 ऐड हो गया। मतलब ये जहां से आप कॉपी करते हैं और जहां पे पेस्ट करते हैं उनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है किसको, पेस्ट एज ऑपरेशंस का। ये तो इसकी थ्योरिकल पार्ट हो गई या फिर इसके स्टैटिकल पार्ट हो गई, मतलब कि स्टडी में ऐसा किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम क्या यूज करेंगे अपने ऑफिशियल लाइफ। हम ऑफिशियल लाइफ की ये बात करें तो ऑफिशियल लाइफ में हम इसको यूज करने की बात कर रहे हैं, तो चलिए बताते हैं आपको। ऑफिशियल लाइफ में हम इसका यूज करते हैं, चलिए परसेंटेज को समझते हैं पहले, परसेंटेज कैलकुलेशन की। तो एक्सेल में अगर मान लीजिए आपको परसेंटेज लिखना है, समझो 20% लिखना है, तो 20 और परसेंट का सिंबल देने के बाद एंटर प्रेस कीजिए तो 20% होगा, ठीक है। ताकि कहीं भी मान लीजिए 500 का 20% चाहिए तो 500 मल्टीप्लाई 20% ये आपको रिजल्ट दे देता है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कि 20 लिख दिया और इसके ऊपर आप परसेंटेज लगाओगे तो ये हो जाएगा 2000%। मतलब एक्सेल के अंदर में 1 = 100% होता है, याद रखिएगा 1 = 100%। मतलब ये जो 20 लिखा हुआ है अगर मैं इसको जनरल फॉर्मेट करूं तो ये 0.2 आएगा, क्या आएगा 0.2 आएगा। अब प्रॉब्लम है कि मुझे बाद में अगर परसेंटेज लगाना है, मान लीजिए 50% लगाना है तो 0.50 लिखूंगा तो मैं बाद में इस पे कर्सर रख के परसेंटेज लगा सकता हूं। तो दो चीजें यहां पे समझ लीजिए, पहला टाइप करते समय मैं परसेंटेज का सिंबल एंटर करके एंटर कर दूं तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैंने टाइप नंबर टाइप कर दिया और उसके कुछ समय बाद, जैसे मैंने नंबर टाइप कर दिया और कुछ समय बाद इस पे अगर मैं परसेंटेज का फिल्टर लगाऊंगा तो 3000% हो जाएगा। मतलब कि ए आपका 1 = 100%, 30 मतलब 300% समझ लिया इसने। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको अगर टाइप करके बाद में परसेंटेज लगाना है तो वैल्यू डेसिमल पॉइंट में होना चाहिए, मैं डिवाइड बाय 100 होना चाहिए। जैसे कि आपको अगर 50% लिखना है तो 0.50 लिखने के बाद आप इस पे कभी भी इस पे क्लिक करके परसेंटेज लगा सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज डेसिमल ही होता है। 20% मतलब कि 20 / 100, जैसे मैथमेटिक्स में होता है 20 / 100, हमेशा परसेंटेज लगाते ही वो डिवाइड बाय 100 ऑटोमेटिकली कर देता है। दिखने में यहाँ पे 20% दिख रहा है, जब इसको जनरल फॉर्मेट में मतलब हर तरह की फॉर्मेटिंग हटा देंगे तो आपको 0.2 दिखेगा। तो परसेंटेज समझ में आ गया आप लोगों को, परसेंटेज क्या होता है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मेरे पास एक कलीग थे, मेरे एक दोस्त थे, मुझे कुछ रिकॉर्ड भेजा करते थे परसेंटेज में, लेकिन वो परसेंटेज में लिख के नहीं भेजते थे, वो भेजते थे मुझे नंबर फॉर्मेट में, इस तरह से आपके सामने दिख रही है, ये नंबर फॉर्मेट में लिख के भेजते थे। अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए आप इस पे अगर परसेंटेज का सिंबल एक एक क्लिक करके आपको देना पड़ेगा। क्यों, अब परसेंट में कन्वर्ट करना क्यों है, क्योंकि जहां मेरा कैलकुलेशन है, मान लीजिए कि मुझे 4542 का 52% चाहिए, यहां लिखा हुआ 52%, तो मेरा जो फॉर्मूला लगा है जस्ट मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो एक रिजल्ट गलत आ जाता है।
खाए तो मैं खुद, दो तरीके हैं कि मैं फॉर्मूले में जाऊं और ए जो 52 को डिवाइड बाय 100 कर दूं तो रिजल्ट मेरा सही आएगा, ठीक है? लेकिन मैं ठीक ऐसा है। करना नहीं चाहता क्योंकि हाँ मैं अपने फॉर्मूले को चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है सर? तो मुझे अपने इसी इनपुट को ही चेंज कर देना है। तो चेंज करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप एक एक सेल में जाएं और इस तरह से सैंपल लगाते चले जाएं। ये अगर बड़ा डेटा है तो काफी ज्यादा प्रोसीजर, काफी ज्यादा लार्ज है, ओके सर? अब इसे बात करते हैं कि छोटा डेटा हुआ तो लगा सकते हैं, लेकिन बड़े डेटा पे क्या करें? तो कहने का मतलब है, अभी मैंने बताया था कि अगर परसेंटेज में हो, मतलब कि 69 की जगह पे 0.69 हो, तो मैं इसे परसेंटेज का सिंबल दूंगा तो परसेंटेज दिखेगा, मतलब कि डिवाइड बाय 100। तो मैंने एक अलग सेल पे 100 को टाइप किया और इस 100 को कॉपी करूंगा और पूरे एरिया को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसमें मैं यहां डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? डिवाइड। तो डिवाइड क्या हुआ, 100 से हर नंबर को डिवाइड हो जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? डेसिमल में आएगा और कल परसेंटेज में। शिफ्ट। सिलेंदर जी, समझ में आया आपको? हाँ जी। तो इस तरह का काम आपको सोचना था कि जो एक एक काम को फायदे में, मतलब कि टाइम को बचाए। अब जरूरी टाइम नहीं है पे कि, जरूरी नहीं कि इसके अंदर फॉर्मूला है तो भी वर्क करेगा, बिदैर फॉर्मूला भी तो वर्क किया ना सर। सुधीर सर, बोलिए। हेलो हेलो सुधीर सर। बोलिए सर, सुन रहा हूं मैं। ओके यस सर। या सर, ऑल्सो वी कैन पुट राउंड अप फॉर्मूला इन वन टाइम, वंस टाइम लाइक दैट परसेंटेज इन वन टाइम। नहीं, राउंड ऑफ अलग है। राउंड तो ये सिलेक्ट करके यहाँ से राउंड कर सकते हैं ना, अब ये रहा ना, यहाँ से ये राउंड का ऑप्शन है, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। नो, दिस इज डिक्रीज एंड इंक्रीज डेसिमल, राउंड राउंड और राउंड अप ऑफ फॉर्मूला। नहीं, एक बार में लगना मुश्किल है मुश्किल है। क्योंकि आप, आपका वैल्यू जो है यही है, उसी को इसके राउंड से रिप्लेस करना है, तो मुश्किल है क्योंकि नो फॉर्मूला। नो हाँ नो, इफ वी हैव टू डिजिट डाटा इन सेम दिस फॉर्मेट, and I need to convert round up, and I need to put round up or round formula in one time. Is it possible? नहीं, नो। राउंडर के लिए इसके No. बगल में आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि राउंड अप को ये चाहिए, राउंड या राउंड अप जो भी है उसका चाहिए इनपुट, उसको यहीं से राउंड इन, राउंड। हाँ राउंड ही मान लीजिए, इसको इनपुट हाँ ले, इसको इनपुट लेना पड़ेगा, इसको इनपुट लेना पड़ेगा। तो इनपुट के लिए चाहिए ना सर, जहाँ पे रिजल्ट डेटा होगा वहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा, मतलब कि मैं यहीं पे फॉर्मूला लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी ना सर। मीन्स राउंड अप फार्मूला इंडिविजुअल लाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, इंडिविजुअल लगाना पड़ेगा, या फिर हमारे पास एक तरीका और है कि इसको आप सेलेक्ट करें, सिर्फ विजिबिलिटी में हटाना चाहते हैं तो डेसिमल डिक्रीज कर सकते यस हैं, यस, डिक्रीज एंड इंक्रीज डेसिमल। हाँ, लेकिन जस्ट विजिबल होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर इसकी हम बात करें तो अगर इसने डिक्रीज कर दिया तो इससे जस्ट दिख रहा है 1, 2, 6, बट एक्चुअली में रिजल्ट आपका यही है, तो सिर्फ विजिबल सिलेक्ट That होगा। decrease and that decrease and increase always only decrease and increase in visible format. But if we make round up formula, figure will be कोई भी same. But नॉट if अराउंड फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वन बाई वन yes, आंसर आएगा। round up or round down or round formula. इसलिए तो इतना फायदा, इसलिए तो ये चीज मैं बता रहा हूं, वरना फॉर्मूला एक बार में होता तो मैं डायरेक्ट 100 डिवाइड बाई 100 कर देता डायरेक्टली। अब यहां पे एक चीज देखिए कि मेरे पास कुछ डेटा है, मान लीजिए सेल्स है हमारा, यहाँ पे मैं कुछ नाम दे देता हूँ पर्सन्स के नाम, ये हमारा सेल्स है,
कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आइडेंटिफाई होगा, और ए हमारा टारगेट, ओके ए हमारा टारगेट है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अब मुझे अपने बॉस को, मैंने इसको मेल किया तो मेरे बॉस ने बोला, या फिर मान लीजिए कि सुंदर जी को किसी ने मेल किया, उनको जरूरत क्या है, वो ये नहीं कहना चाहते हैं कि हमें नहीं पता कि पूजा ने कितना सेल किया, 37 किया, 50 सेल किया, आई डोंट नो। वो ये बताना चाहते हैं कि पूजा को टारगेट प्रोडक्ट वन में, प्रोडक्ट टू में पूजा को दिया गया था 33 का टारगेट, तो उसने अपने टारगेट का कितना परसेंट अचीव किया। मतलब कि यहां पे मुझे देना है 69 डिवाइड बाय 44, और मुझे यहां देना है 37 डिवाइड बाय 33, ताकि इसका परसेंटेज हम निकाल सके कि हाँ 157% यहाँ, नहीं ये तो गलत हो गया ना, सही है सही है, 157% है और 112% है, 44 और 33 का टारगेट था, और सेम चीज मुझे बाकी सबको करना है। सुरेंद्र जी प्रॉब्लम समझ में आया? हाँ जी आ रहा है। प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं? हाँ जी आ रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो इसका सॉल्यूशन नहीं समझ पाएगा, इसलिए सबसे पहले समझना है हमें प्रॉब्लम, कहा जाता है सर आवश्यकता है आविष्कार की जर्नी है, तो सबसे पहले आवश्यकता मतलब कि क्या नीड है इसको समझिएगा, तो फिर आप कुछ ना कुछ कर लीजिएगा। तो अब मुझे एक एक करके, अब अभी थोड़ा देर पहले बताया कि मैंने एक पर्टिकुलर सेल्स को लिया और सबको डिवाइड कर दिया था, तो आप अगर मान लीजिए सिक्वेंस में है, मतलब कि ये आपका 5 प्रोडक्ट है, यहाँ भी आपका 5 प्रोडक्ट है, और यहाँ भी आपके जो है तकरीबन 10 नेम है, और यहाँ भी 100 नेम का सब कुछ है, सिक्वेंस में सब कुछ है, तो इस पूरे डेटा को आप कॉपी कीजिए और इसके ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे आप कर दीजिए डिवाइड। तो ऐसा हो करने से क्या होगा कि 44 69 को डिवाइड करेगा, 33 67 को, 50 को 11, 53 को 18, 88 को 43, और ऐसी सीक्वेंस वो नीचे की तरफ भी बढ़ता जाएगा, और आपका रिजल्ट जो चाहिए वो आपके सामने आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपने देखा कि परसेंटेज इसका फॉर्मेटिंग हट गया, क्यों हट गया, क्योंकि हम राइट क्लिक करके हमने यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में हमने ऑपरेशन तो यहाँ पे सिलेक्ट किया था, डिवाइस सेलेक्ट किया था, बट ऊपर में ऑल सेलेक्ट था, इसकी फॉर्मेटिंग चली गई, मुझे जस्ट इसकी वैल्यू को फॉर्मेट कर लेना है, तो बस जस्ट वैल्यू करके ओके करूंगा तो डिवाइड भी हो जाएगा और आपका फॉर्मेटिंग भी नहीं हटेगी। समझ गया सर? खाली वैल्यू लिखा आपने, वो डिवाइड भी तो करना है ना, जब ही तो आएगा परसेंट। सर इसकी वैल्यू से ही डिवाइड किया, इसके फॉर्मेटिंग कीप नहीं किया सर, डिवाइड तो करेगा, डिवाइड करेगा, लेकिन डिवाइड करने के साथ साथ ये जो था ये इसकी फॉर्मेटिंग भी ले रहा था ना, और मैं बाकी फिगर भी ले सकता है, जैसे फॉर्मेटिंग हो गया, कई आपका क्या बोलते हैं कलर हो गया, कमेंट हो गया, और भी जो चीजें थी सब ले रहा था। ये समझिए ना कि अगर 20 है और यहाँ पे 30 है, तो अगर ये आपका 30 फॉर्मेट कर देता हूँ मैं, ये आपका फॉर्मेटेड है, तो जब मैं इसको कॉपी करके इस पे पेस्ट स्पेशल करूंगा, तो पेस्ट स्पेशल में अगर मैंने डिवाइड किया तो जस्ट डिवाइड ही नहीं करेगा, डिवाइड के साथ साथ एक ऊपर की सारे चीज भी लेगा। तो अगर मैंने इसकी वैल्यू किया तो 20 से इसको 30 को डिवाइड करेगा। अगर वैल्यू क्या बोले, दो फीचर सिलेक्ट करें हैं, डिवाइड और वैल्यू दोनों सिलेक्ट करें हैं, दोनों सिलेक्ट किए हैं, और नहीं सिलेक्ट कीजिएगा तो डिफॉल्ट ऑल तो सिलेक्ट ही होता है, दो फीचर तो हमेशा आएगा आपका यहाँ पे। अच्छा, दो फीचर तो हमेशा आएगा, आप सिलेक्ट नहीं करते हो तो ऑलरेडी आपका क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 20+30 में फॉर्मूला कर देता हूँ कॉपी, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, आप यहाँ पे देखिए अगर आप नहीं सिलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ऑल तो सिलेक्ट ही है ना, तो हम जब वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो ऑल हट जाएगा। तो अभी जैसे हमने वैल्यू सेलेक्ट नहीं करके अगर वैल्यू सेलेक्ट करूंगा तो भी 30 डिवाइड बाई 50 हो जाएगा, अगर मैं फॉर्मूला सेलेक्ट किया तब क्या होगा देखिए, तब ये होगा कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला आ गया 20+30, इसका फॉर्मूला आउट किया गया, दिख रहा है सर? इसने यहाँ पे
50 जो है नहीं लिखा इसने, डिवाइड में 50 ना लिखा, 50 जहां से आ रहा है जिस कैलकुलेशन से, वो कैलकुलेशन इसने डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमने पेस्ट स्पेशल करते समय हमने लिया हुआ था क्या, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लेते समय सोचिएगा, इसलिए वैल्यू लीजिएगा तो जस्ट 50 डिवाइड करेगा यहां पे, ये जो ब्रैकेट में 20 प्लस 30 की जगह पे 50 डाल देगा और कुछ नहीं डालेगा। और दूसरी, ये तो फॉर्मूले की बात हो गई, लेकिन मान लीजिए कि मेरा यहां जहां मुझे डिवाइड करना है, मतलब जहां कैलकुलेट करना है, पेश करना है, वो एरिया भी किसी फॉर्मूले से आया हुआ है, वो एरिया भी किसी फॉर्मूले से आया हुआ है, और मुझे इसकी फॉर्मूला को रिप्लेस नहीं करना है, क्योंकि एक कैलकुलेशन हमारा किसी फॉर्मूले, मान लीजिए रैंडम बिटवीन है, आगे चल के सम काउंट मैक्सिमम मिनिमम ली लुकअप, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, तो यहां पे हम इसको कॉपी करते हैं और यहां पेस्ट करते हैं। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, पेस्ट स्पेशल में अब यहां पे आप वैल्यू कीजिए, फॉर्मूला कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसकी फॉर्मूला नहीं जाएगी, क्योंकि यहां से इसकी वैल्यू कीजिए, इसमें फॉर्मूला है ही नहीं, वैल्यू उठ की जाएगी। अगर वैल्यू करेंगे तो इसकी 44 नॉर्मल उठ के जाएगा, अगर फॉर्मूला करेंगे तो, अगर 44 फॉर्मूला में होगा, फॉर्मूला से आया होगा तो फॉर्मूला जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल 44 ही जाएगा। तो जो ये रैंडम बिटवीन होता है ये फॉर्मूला में नहीं आता है, ये भी फॉर्मूला ही है, देखिए आपके सामने, सॉरी मैं गलत कर गया, मैं राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, मैंने यहाँ पे वैल्यू किया और यहाँ पे इसने डिवाइड कर दिया, डिवाइड। अब इसने क्या किया कि फॉर्मूला को रिप्लेस नहीं किया, फॉर्मूला को ब्रैकेट में रख के डिवाइड कर दिया, आपका फॉर्मूला सेफ है। अभी फिलहाल आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या होगा, लेकिन आगे चल के आपका इसका यूज जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास सेल्स की आइटम्स है, सेल्स के आइटम है, मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, डेटा ले लेता हूँ। रैंड बिटवीन तो हम रैंडम डेटा के लिए आते हैं, यहाँ भी जरूरी नहीं है कि रैंड बिटवीन होगा, रैंड बिटवीन को इग्नोर कीजिए, ये मेरे यूज का है, आपके यूज का नहीं है, आपके पास तो एक्चुअल डेटा होगा ना, तो इसको इग्नोर कीजिए, इस पर इतना टाइम खराब मत कीजिए, कोई यूजफुल नहीं है। जैसे कि मेरे पास डेटा है, अब इस डेटा को हमने क्यूसी टीम को दिया चेक करने के, मान लीजिए कि ये हमारा ऑर्डर है, लेकिन इसमें से कुछ ऑर्डर रिटर्न हुए हैं और कुछ जो है पिछले महीने की रिटर्न ऑर्डर जो है वापस चले गए। जैसे मान लीजिए ना, आपने 1000 पीस भेजा तो उन्होंने 8000 पीस रख दिया, 1000 पीस देखा 800 रख लिया और 200 रिटर्न कर दिया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिछले सेल्स में जो रिटर्न थे उसको वापस मंगा लिया, तो कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे 16 नहीं, यहाँ पे 26 है और यहाँ 76 है और यहाँ 81 नहीं 18 है, टाइपिंग मिस्टेक है, और यहाँ पे 5 वापस आया हुआ है तो 70 है। तो ऐसे जो करेक्ट नंबर थे, तो करेक्ट नंबर यहाँ पे टाइप कर दिए गए, तो बंदे ने रिप्लेस नहीं किया, वो आपको यहाँ पे टाइप करके दे दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे अपने इस सेल्स को अपडेट करना है, मतलब कि मुझे 16 के जगह पे 26, 67 के जगह पे 76 ऐसे रखना है। प्रॉब्लम समझ में आया क्या करना है? हाँ जी। अब मान वन वन करके रखेंगे तो काफी टाइम लगेगा, अगर पूरा कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो ये रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है कि जिसके सामने कुछ नहीं लिखा है वो करेक्ट है, उसको जैसा तैसा रख देना है, छोड़ देना है। तो मुझे अब पेस्ट वही करना है जिसमें फिगर है, जो ब्लैंक है उसको पेस्ट नहीं करना है, समझे जी। तो इसको कॉपी किया, इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल, और यहां देखिए क्या है, स्किप ब्लैंक। तो स्किप ब्लैंक क्या करता है कि जो कॉपी एरिया है जहां से हमने कॉपी किया है, अगर उस कॉपी एरिया के अंदर में कोई ब्लैंक सेल है तो उसको कॉपी से बाहर कर देगा। तो कॉपी एरिया के जो ब्लैंक सेल है उसको कॉपी से बाहर कर देगा, और ओके कीजिए, देखिए 26 आ गया, 76 अपडेट हो गया ना, मैनुअल करते काफी टाइम लगता,
क्या ज्योति जी, समझ में आया आपको कि नहीं? यस सर, आया समझ में। बट एक बात और पूछनी थी, जिससे हमने इसे रिप्लेस किया, इसको डिलीट भी तो हो जाना था। लेट तो हो गया ना, 26 रिप्लेस हो गया ना, इट्स ओके, बट इसके सामने जो दूसरा एरो में ये 26 तो बड़ा हुआ ही है। तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट मार दीजिए ना, ये कौन सी बड़ी चीज है। लीजिए, हो गया डिलीट। कॉपी तो अच्छा कॉपी करता है, इसमें डिलीट थोड़ी करता है। तो जी, हाँ इसमें ऐसा कर सकते हैं कि जैसे जो हमने जो डेटा हमने पेस्ट किया था हाँ उसका कुछ कलर हम दे के रखें, और वही कलर जो है ताकि बाद में पता चले भी इस चीज में मिस्टेक था। हाँ तो इसके लिए क्या कीजिए कि हाँ यहाँ पे दिक्कत यह है कि आपको जो टाइप करते समय सबको कलर कर दीजिए, ठीक कंट्रोल सेलेक्ट करके, कंट्रोल क्लिक करके सब सेलेक्ट कर लीजिए। हालांकि इसका और भी तरीका है, लेकिन फिलहाल इतना ही रखिए। हमने इसको सेलेक्ट कंट्रोल प्रेस करके सारा सेलेक्ट कर लिया और फिर इसको कलर पे क्लिक कर दिया, ठीक है। मल्टी सेल सेलेक्ट करने के लिए एक क्लिक हुआ, और मल्टी क्लिक किया कलर कर सकते हैं आप, क्लिक कर दीजिए मल्टी सेलेक्ट होगा, ठीक। अब मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और हमने इसकी ब्लैंक दिया। यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑल लिखा हुआ है, Yes. तो फॉर्म हटाना ही है। करोड़ के साथ आ गया। अगर आपने कॉलर, आप अगर फॉर्मेट नहीं लाना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे वैल्यू या फॉर्मूला सेलेक्ट करना होगा, समझे। और मान लीजिए आप पेस्ट कर चुके हैं, जैसे मैं पेस्ट कर चुका हूं, तो आप फॉर्मेट कर दीजिए, सिर्फ वैसे फॉर्मेटिंग पेस्ट होगा। ओके ये कलर जो है ये फॉर्मेट के अंदर आता है। जी हाँ, किसी भी तरह का जो ये जो आपको दिख रहा है ना, फॉर्म अलाइनमेंट नंबर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सब फॉर्मेट में आता है, सब फॉर्मेट है। राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल दिख रहा है आपको, ये सारा फॉर्मेट है। अब बात करते हैं पे ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज मतलब कि अभी जैसे कि मान लीजिए कि हमने इसी को लेता हूं, ये हमारा क्या है, टॉप टू बॉटम है ना, ऊपर से नीचे की तरफ लिखा हुआ है क्या सर। इसको कॉपी कर लिया और राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और मैंने इसमें ट्रांसपोज कर दिया, तो क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। जो कविता रो में था वो कविता और पूजा जो दिख रहे कॉलम बाई चला गया। और आप अगर मान लीजिए कि वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल लाना है, तो राइट क्लिक कीजिए, मैं हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल, तो ट्रांसपोज, तो वापस स्वैप हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल और वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करने के लिए काम क्या करता है, ट्रांसपोज का। अच्छा, ये परसेंटेज कैसे चेंज हो जाता है, जैसे आपने वर्टिकल किया या वो किया तो सर परसेंटेज मैंने तो एक सेम चीज को नहीं आ रहा कल है। भी समझाया था, इसमें रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा हुआ है, रैन बिटवीन हर बार नंबर चेंज करता है, समझे। अगर ये डेटा मान लो रैंडम नहीं लेते हैं तो फिर सेम ही रहेगा फिर। हाँ, इसको आप ऐसी दिक्कत है तो मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल देता हूं, हो गया। अब इसमें कुछ भी होगा, देखिए ऊपर यहां पे इस पे देखिएगा, चेंज हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है क्योंकि इसमें लगा हुआ है, ठीक है। ट्रांसपोज समझ में आ गया। हाँ, मतलब कि उसमें आप कह रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से कन्वर्ट करने के लिए है। हाँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल। हाँ जी, अब बात करते हैं पेस्ट एज ए लिंक का। अब जैसे मान लीजिए कि आप रिपोर्ट बनाते हैं ना सर, तो पहला आप लोगों की रिपोर्ट में पहली समरी शीट होती है, फिर हो सकता है कि यहाँ पे दिल्ली का अलग रिपोर्ट हो, यहाँ पे मुंबई का अलग हो, या प्रोडक्ट वाइज ऐसे कई सारे शीट्स होंगे ना सर, क्या बोले सर, नोएडा का, तो ऐसे बहुत सारे शीट थी। बहुत सारी रिपोर्ट में ऐसा होता है कि तीन जगह चार जगह चार पांच 10 सीट ऐसे होते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट लिखा, राइट, डेट लिखा, अब ये सेम डेट यहां भी है, सेम डेट यहां भी है, और सेम डेट यहां भी है, तो हर दिन मुझे हर सीट पे जाके डेट को चेंज करना होता है। मतलब कि मैं यहां पे डेट डाल दिया, आज का डेट, मान लीजिए आज की रिपोर्ट है तो मैंने आज का डेट डाल दिया, राइट, तो यहां भी गया और आज का डेट डाल दिया। नीचे डेटा और भी हो सकती है अलग अलग, इमेजिन कर लीजिए कि नीचे बहुत बड़े डेटा है, चार्ट वार्ट है, इमेजिन तो कर सकते हैं ना सर।
ठीक है, ये हो गया। अब मैं कल इस रिपोर्ट को भेजूंगा तो कल मुझे हर सीट पे जाके 28 तारीख करनी पड़ेगी ना सर, क्या हर सीट पे जाया करनी पड़ेगी मैनुअली? लेकिन गलती से किसी सीट पे अगर मैं डेट चेंज नहीं किया, डेटा अपडेट कर दिया बट डेट चेंज नहीं किया, तो सामने वाले का क्या रिएक्शन आएगा? वो आपको क्या बोलेगा कि आप तुमने डेट नहीं चेंज की? वो सीधे बोलेगा यार तुमने मुंबई का डेटा अपडेट नहीं किया है तो कल का डेटा आ रहा है। जैसे न्यूज पेपर वाला पेपर आपको आज ही दिया है लेकिन मिस प्रिंटिंग से डेट उसका कल का पड़ गया, तो आप तो ये थोड़े बोलेंगे कि ये ताजा खबर है, बोले यार कल वाली रिपोर्ट न्यूज पेपर तुमने दे दिया है, क्या सुरेंद्र जी? जी तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, कभी कभी ह्यूमन है, भूलने की भूल सकते हैं, छूट सकता है, दिमाग में नहीं जा सकता है क्या? तो हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि हम सिर्फ इसी पे इस पे चेंज करें तो बाकी सीट पे ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए, मतलब कि बाकी जो सीट 3, 4, 5 जो भी है हमारी समरी सीट से ही लिंक्ड होनी चाहिए। ओके, उसके दो तरीके हैं। पहला है कि आप जहां आपको डेट लिंक करना है उस पे जाइए और इक्वल प्रेस कीजिए, क्या प्रेस कीजिए? इक्वल। फिर जहां समरी सीट जहां आपको मैनुअल टाइप करना है समरी पे, जो पहला सीट है जहां टाइप करेंगे हर दिन, वहां पे आइए और उस डेट के जगह को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं एक बार और बताता हूं कि आप क्या कीजिए, जहां पे आपको लिंक करना, लिंक शो करवाना है वहां पे आप इक्वल प्रेस कीजिए और जहां से डेटा आएगा उस पे क्लिक करके एंटर प्रेस कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि अगर कंफ्यूजन है तो आप उसको जो मैनुअल टाइपिंग करना वाला है उसको कॉपी कर लीजिए और जहां पे आपको लिंक चाहिए वहां पे आइए और राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए लिंक। अब क्या होगा कि अगर मैं यहां 29 तारीख करता हूं, एंटर मार्क यहां पे एंटर मार्क 29 तारीख मैंने किया, एंटर प्रेस किया, तो आप देखेंगे कि दिल्ली में 29 हो गया, मुंबई में 29 हो गया और नोएडा में भी 29 हो गया, तो इससे लिंक हो गया। तो अगले बार हमें जस्ट अपने समरी सीट का डेट चेंज करना है। तो इसका यूज सिर्फ इसी डेट पे ही नहीं, आगे चल के जैसे मान लीजिए कि 3, 4, 5 सीट्स का अगर रिपोर्ट आप बनाते हैं और आपका एक ऐसा डेटा है जो कि पहले सीट पे डला हुआ है वही हर सीट पे जाएगी, समझे? तो आपको बार बार लिखने की जगह उसको कॉपी करके पेस्ट ऐसे लिंक कर दीजिए। इस जगह अगर हम सिस्टम डेट डालना चाहें तो सिस्टम में तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सिस्टम डेट के लिए यहाँ पे आप टुडे का फॉर्मूला होता है, टुडे का फॉर्मूला डाल दीजिए तो सिस्टम डेट। कुछ पूछ रहे थे सर? सुजी जी हेलो, बोलिए सर, सुन रहा हूं मैं। हाँ सुजी जी, इसमें ऐसा है कि जैसे ही आपने समरी है और बाद में दिल्ली मुंबई नोएडा का आपने बताया है, मैं इसमें ऐसे समझ रहा था कि शायद दिल्ली मुंबई और नोएडा तीनों की सेल जोड़ के एक समरी बन गई और अगले दिन फिर आपको दिल्ली अलग से एंट्री करना है, मुंबई अलग से एंट्री करना है, नोएडा अलग से करना है। वो भी होगा, वो सब चीजें होगी जब हम यूज करेंगे फॉर्मूला, एक बोलते हैं फॉर्मूला क्लासेस में। अभी आप देख रहे हैं समरी सीट का डेट सब पे चला गया ना सर, ऐसे भी इसका भी पूरा डेटा यहाँ पे उठ के आ जाए। नहीं, लेकिन समरी सीट का डेटा डेट आपने कर दिया, लेकिन डेटा तो अलग अलग ही फीड करना पड़ेगा ना दिल्ली मुंबई नोएडा का। हाँ, वो चीजों पर भी ध्यान नहीं दीजिए, बस अभी हमने आपको ये समझाया सर कि एक सेल को मल्टीपल सीट में लिंक किया जा सकता है ताकि हमें हर जगह पे लिखना ना पड़े। जैसे मैंने सिंपल सी सम बताया कि आपको समरी दिल्ली मुंबई नोएडा में अलग अलग एंट्री करनी है ना, लेकिन कुछ ऐसे एंट्री है जो कि तीनों पे है, हम एक पे एंट्री करेंगे बाकी तीन को लिंक कर देंगे, तो हमें एक ही बार एंट्री करनी पड़ेगी ना, बाकी तीन में ऑटोमेटिक चला जाए। तो तीनों का जो डिफरेंस डेटा है वो तो एक एक करके एंट्री करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा कॉमन डेटा है उसको एक ही जगह एंट्री करेंगे। ये एक बार जरा दोबारा से बता दीजिए जो पेस्ट लिंक वाला है। बस जस्ट कॉपी कीजिए और जहां पेस्ट करना है उस पर कर्सर रखिए, राइट पेस्ट स्पेशल
पेस्ट है, जो लिंक पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये तो मैनुअल आपने बताया और एज इक्वल टू डाल के भी बताया था। हाँ, और दूसरा है कि आप यहाँ पे इक्वल टू डाल के भी कर सकते हैं कि इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू और समरी पे जाइए और जहाँ पे वहाँ पे क्लिक कीजिए उसका यहाँ पास लिख के एंटर मार दीजिए, लिंक हो गया। ओके ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया वो बताया कि चारों सीट पे कोई कॉमन डेटा है ना, उसको बार बार एंट्री, तीन चार बार एंट्री ना करके आप एक ही बार एंट्री करें, बाकी तीन पे वो लिंक कर दीजिए। अगर डेली बेसिस में करना है तो, एक बार करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेली बेसिस में करना है तो रूटीन में, समझ गया आप? ठीक है। चलिए, तो पेस्ट स्पेशल लिंक समझ में आ गया। तो पेस्ट स्पेशल का टॉपिक हमने आपका कवर कर दिया है, आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लिएगा। कल की क्लास में हम पेस्ट एज ए पिक्चर्स और पिक्चर्स लिंक के बारे में और क्लिप बोर्ड के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि इस पर क्लिक करने के बाद इसका क्या यूज है। और जब आप कॉपी करते हैं तो इसमें आपको यहाँ नीचे पेस्ट स्पेशल के अलावा ये आता है, पेस्ट लिंक तो मैं बता ही दिया, ये दो ऑप्शन पिक्चर्स और पिक्चर लिंक का क्या यूज है, ये हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे। अच्छा, इसमें सुजीत जी जो रिकॉर्डिंग अगर मुझे देखनी है तो